कैंची घर से ले जाते हैं। कैंची भी वो छोटी सी जो घर में रखी होती है मूछें कटने काटने के लिए। जो लड़ रहा था उसके बेचारे मूछें भी नहीं है। मौजूदा डीडीसी चेयरमैन लालचंद को पूर्व विधायक आरएस पठानिया द्वारा यह पूछना कि क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास, क्या यह सही है? कल की सारी घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जी का ही पक्ष मजबूत होता है और प्रोटोकॉल भी उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है। उच्च पद पर बैठे हुए हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उनके साथ ऐसी बदसलूकी जो हुई है तो मैं बोलता हूं कि जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है। पठानिया जी ने किस सेंस में कहा, किस सोच में कहा, उस पे तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता, उसको तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। ये जो बवाल चल रहा है पिछले एक दो दिन से, तो इसके ऊपर कल हमने आपको एक इंटरव्यू जो है वो डीडीसी चेयरमैन लालचंद का दिखाया था। लालचंद जी ने अपने शब्दों में काफ़ी कुछ बयां भी किया है और आज हमने भी कोशिश की कि विभिन्न पार्टी दलों के लोगों से बात की जाए कि क्या जो पूर्व विधायक, जो भाजपा के ही पूर्व विधायक हैं आरएस पठानिया, उनके द्वारा मौजूदा चेयरमैन जो इस समय डीडीसी की चेयर पर बैठे हुए हैं, डीडीसी चेयरमैन लालचंद को यह पूछना कि क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास। तो हमने लोगों से बात की और उसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, कुछ डीडीसी भी थे, लेकिन हम कुछ लोगों की बात आपको जरूर सुनाएंगे और उसमें कुछ अलग दल भी थे। हर्षदेव सिंह हो गए, जिस तरह से उन्होंने अपनी इसमें अपनी राय दी है, उसी के साथ एकजुट जम्मू के राजेंद्र शर्मा जो महासचिव हैं एकजुट जम्मू के, उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय दी है। उसके साथ ही मैं बात करूं तो डीडीसी मजालता अमित शर्मा ने इसके ऊपर अपनी राय दी है। भाजपा के कार्यकर्ता संदीप खजूरिया, उन्होंने अपनी राय दी है। तो डीडीसी राकेश शर्मा, उन्होंने अपनी राय दी है। तो हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे कि क्या कहा उन्होंने, कि क्या ये जो कहा गया वो सही था या गलत। तो आइए आपको सुनाते हैं इन लोगों के विचार कि क्या इन्होंने कहा। एक चुने हुए लालचंद जी को जो चेयरमैन है इस समय डिस्ट्रिक्ट के, उनको पूछ रहे हैं कि क्या अथॉरिटी है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, क्या टिप्पणी है, आप क्या कहेंगे? कल की सारी घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और अगर कोई बात थी भी तो उससे बचना चाहिए था। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब हम इस बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए जो है आपस में बैठकर इस बात का कोई समाधान ढूंढें और आने वाले समय में इस बात की चिंता करें कि ऐसी घटना पब्लिक के अंदर ना आए, क्योंकि हम लोग सभी जो हैं वो कार्यकर्ता हैं, हमें लोगों ने वोट देकर चुना है। लेकिन मोदी जी अगर प्रधान सेवक हैं तो हम तो एक ब्लॉक के ऊपर सेवक बनाया है, हमें सेवक की तरह काम करना है। और रही अथॉरिटी की बात, तो मैंने जैसे एक मीडिया पत्रकार अपने बंधु थे उनको भी मैंने कहा कि जिस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने घोषणा की और वो चुनाव जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको मजबूत करने का काम किया है, तो उनके पास अथॉरिटी है ही है। उस पर अथॉरिटी और इन चीज़ों पर हमें जाना ही नहीं चाहिए। मेरा फिर से एक बार आग्रह है सभी साथियों से कि इसको हम अब अदरवाइज ना लेते हुए इस बात को यहीं ख़त्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हम बीजेपी की बात करें, भाजपा की, तो काफ़ी डिसिप्लिन माना जाता है पार्टी में, तो जब इस तरह से घटनाएं सामने आई, एक पार्टी का शख्स दूसरे पार्टी के, अपने पार्टी के ही लोगों को इस तरह से अभद्र शब्द बोले, तो क्या कहेंगे? वो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संगठनात्मक पार्टी है और अगर पार्टी तक ये बात पहुंची होगी तो ज़रूर पार्टी इस पर विचार विमर्श कर रही होगी, जो उनको लगता होगा उस पर कार्रवाई करने की भी सोच रही होगी। अभी तक तो मुझे यही पता नहीं है कि चेयरमैन साहब के माध्यम से ये बात ऊपर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, बात तो उनकी हुई है और बात भी उनको ही करनी है। तो लेकिन इतना मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में
कोई भी इनडिसिप्लिन जो बात है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है, तो उसकी चिंता पार्टी करेगी, वो पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है, वो पार्टी चिंता कर रही है। देखिए जिस तरह से आपने बात करी कि जो विवाद देखने में सामने आया है अपने डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी और पठानिया जी जो एक बीजेपी के लीडर हैं उनके बीच में, तो जहाँ पे मैं आपको अपना पक्ष यहाँ पे रखने का जब आपने कहा तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो अपने लालचंद जी हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, आज की डेट में वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है या प्रोटोकॉल के हिसाब से भी हम लगा दें तो लालचंद जी का वहाँ जाना सबसे जरूरी माना गया, और वही एक जो अथेंटिक पॉइंट भी है, अथेंटिकेट करता है इस चीज़ को, मतलब अगर लालचंद जी जाते हैं तो वही अथेंटिक है। हाँ जहाँ तक पठानिया जी की बात है तो उनकी जो मैडम है जूही मन्हास जी तो उनका वहाँ पे जाना बनता था, जबकि मेरे नज़रिए से पठानिया जी का वहाँ पे कोई रोल नहीं था क्योंकि वो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन वो इलेक्टेड नहीं है वहाँ के लिए अभी। तो इस विवाद में अगर सबसे अगर मजबूत पहलू देखें तो इसमें डीडीसी चेयरमैन जो है लालचंद जी का ही पक्ष मजबूत होता है और प्रोटोकॉल भी उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से ये एक इस तरह से अनार्की टाइप या फिर आप कहें कि हाँ जी आपके एरिया में कोई प्रोग्राम है तो और कोई वहां पे जा नहीं सकता, तो ये किन चीजों की ओर इंगित करता है? ये इस चीज की ओर इंगित करता है कि आप अपनी ताकत का कहीं भी इस्तेमाल किसी भी पर्पज के लिए कर लें, इस तरह से माना जाएगा। ये चीजें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सही नहीं मानी जाती। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लोग चुने गए हैं, जिसको पब्लिक ने चुन के सामने रहा है, तो उस प्रोटोकॉल में वही फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बीजेपी के अंदर जिस तरह कुर्सी को लेके इनके एम्बिशंस रहते हैं, कुर्सी की भूख रहती है, आने वाले दिनों में आप इससे भी बड़े स्तर पे ये लड़ाइयां देखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि इन लोगों का जो मंशा है लोगों के हित से ज्यादा सब हित की रहती है, तो इसलिए ये चीजें तो देखने को अक्सर आपको आने वाले टाइम में और बड़े स्तर पर भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से डीडीसी की जो है वो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, डीडीसी चेयरमैन है, क्या वजह है कि उनके साथ ऐसा हुआ? कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जनाब ये भेदभाव की वजह से उनके साथ ये अन्याय, वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं आज, उनकी कदर करनी होगी बाकी लोगों, मेरी पार्टी में वो नहीं है, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी की कदर कीजिए बीजेपी वालों, और आपस में आपको तो कुछ मुझे लगता है लोगों के साथ तो लेना देना ही मत पर, और ये बीजेपी के लोग जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं रिबन काटने के लिए, रिबन मैं काटूंगा, दूसरा कहता है मैं काटूंगा, और कैंची घर से ले जाते हैं, कैंची भी वो छोटी सी जो घर में रखी होती है मूछें काटने के लिए, जो लड़ रहा था उसके बेचारे मूछें भी नहीं है, वो कैंची रखता है सिर्फ इसलिए, रिबन भी घर से ले जाता है और कैंची भी साथ में ले जाता है, और डीडीसी से लड़ रहा है, डीडीसी उसको वो उसको, तो वो जो चीज़ है जनता देख रही है, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो स्कूल भी मैंने दिया है, आपको पता होगा शायद, गांव के लोग कह रहे थे कि स्कूल दिया हर्षदेव ने, हायर सेकेंडरी बनाया, और फिर ऐसी इमारत मैंने दी, मैंने कहा स्टेट में अपनी किस्म का अलग स्कूल होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मेरा अपना गांव है, मैं यहां रहा हूं, तो सबसे बेहतरीन स्कूल की बिल्डिंग मैंने उस वक्त चुनौता में दी थी, आज वो बन गया, आज वो कैंची लेके दोनों अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने कभी उद्घाटनों में विश्वास नहीं किया, मेरे बनाए हुए बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बाद में ये लोग चले जाते थे कैंची लेकर रिबन लेकर काटने के लिए, मैं कहता था काटने दो इनको बेचारे, इन्होंने और कहाँ काटने हैं, मैंने जो बनाए हैं वही काटेंगे, अपना तो इनसे कोई बना नहीं 8 सालों में, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों के अंदर क्या बनाया मुझे बताइए, वही जो हमारे अदारे हैं उसके ऊपर लड़ रहे हैं, लड़ो। क्या टिप्पणी है अरुण जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल का जब से ये एपिसोड हमने देखा है तो मन थोड़ा सा उचाड़ हो गया है कि एक उच्च पद पर बैठे हुए हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उनके साथ ऐसी बदसलूकी जो हुई है, तो मैं बोलता हूँ कि जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है, और फिर ऐसी बदसलूकी जो एक पूर्व विधायक द्वारा की जाए,
पूर्व विधायक द्वारा करना, तो मैं समझता हूं कि ये कैसी मानसिकता जो है वो प्रदर्शित करती है। तो कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा करते हैं। तो बाकी रही बात कि मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि लालचंद जी जो अपना काम पूरी कुशलता के साथ कर रहे हैं और लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, समाज के हित में रहकर उन्होंने आज तक जितने भी काम किए हैं वो उनके सोशल मीडिया के माध्यम से आज सभी लोग देख रहे हैं, जग जाहिर है वो। तो उसके लिए वो अलग अलग महकमों में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर वहाँ पर अगर कोई किसी किस्म की वो एक काम में कोई खामी उनको दिखती है तो उसके लिए वो बात करते हैं। तो ये लोकहित के लिए एक बहुत ज़रूरी था तो वो करते थे। तो पूर्व विधायक जी को इसमें पता नहीं क्या गलत दिखा। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर जो खामी हो उसको दूर करना एक नेता का ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। तो वो DDC चेयरमैन साहब कर रहे थे, लेकिन कल की घटना को देखकर मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज किसी उच्च पद पे, राजनीतिक पद हो जहाँ उच्च पद पे, आज DDC चेयरमैन साहब एक गरीब घर से निकलकर वहाँ पे पहुँचे हैं, एक गाँव के रहने वाले हैं, तो शायद उस कारण उनके साथ ऐसी बदसलूकी हुई होगी। तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बात देखो, जहां गुट होते हैं वो पार्टी खत्म हो जाती है। आप देखो, पैंथर पार्टी गुट थे, खत्म होगी, है ना। अब कांग्रेस के गुट थे, खत्म होगी, लेकिन भाजपा में कहां ग्रुप है? भाजपा दिन ब दिन मजबूत हो रही है, इसका मतलब कहीं इनके पारिवारिक संबंध। राकेश जी, कल को आप भी कोई उद्घाटन करने जाते हो वहां पे, पूर्व विधायक जी आपको पूछते हैं कि क्या आपने अथॉरिटी ली है? हमारा दिल बड़ा है जी, हम कैंची उनको दे देंगे, आप ही कीजिए, ठीक है ना। हम ऐसे भी जाते हैं कहीं उद्घाटन करने के लिए, तो हम कहते हैं देखते हैं कोई छोटी बच्ची मिली। आगे पूर्ण कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता देखने को मिली है और इस पर पार्टी हाईकमान को अपना जो भी रुख अपनाना है वो पार्टी हाईकमान देखेगी। और बाकी चेयरमैन साहब अच्छा काम कर रहे हैं,